हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। मैं निशांत गोयल आप सभी का वेव स्टडी ग्रुप के इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। वेव स्टडी ग्रुप आप सबके लेकर आया है आने वाले हर कंपटीशन एग्जाम्स के लिए, चाहे वो आपका स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जाम हो, सभी एग्जाम्स के लिए पूरे वन ईयर का करंट अफेयर्स, जिसमें हम जनवरी 2020 से लेकर और कंटिन्यू हम पूरा दिसंबर 2020 तक कवर करते चलेंगे। पूरे एक साल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं। तो कल इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया था, आज हम उसी के अंदर सेकंड पार्ट लेकर आए हैं। कंटिन्यू हम ये सीरीज चलती रहेगी हमारी करंट अफेयर की सीरीज, और डेफिनेटली आपको यहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को जरूर मिलेंगे। तो चलिए साथियों, आज की हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं करंट अफेयर की, और ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन हमारी कंप्यूटर मोबाइल स्क्रीन पर कि किसे सस्त्रा रामानुज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। तो सस्त्रा रामानुज पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है शाई एवरा। शाई एवरा को रामानुज पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वदेश वेसल ट्रैफिक सर्विसेज सॉफ्टवेयर के विकास के लिए जहाज रानी मंत्रालय ने किस आईआईटी को 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। स्वदेशी वेसल ट्रैफिक सर्विसेज एक सॉफ्टवेयर के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए जहाज रानी मंत्रालय, हमारी मिनिस्ट्री एक जहाज रानी मंत्रालय ने किस आईआईटी को 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आईआईटी चेन्नई को 10 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, आई लीग 2019-20 ट्रॉफी किसने जीती है। आई लीग 2019-20 की ट्रॉफी किसने जीती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मोहन बागवान। ध्यान रखना है, मोहन बागवान ने आई लीग 2019-20 की ट्रॉफी जीती है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फोर, डीआरडीओ ने स्टैंड आईटी एंटी टैंक सैंड, जिसे शॉर्ट में कहा जाता है सैंड मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जो कि किसका फोर्थवीं पीढ़ी का लेटेस्ट संस्करण है, लेटेस्ट वर्जन है। डीआरडीओ ने स्टैंड ऑफ एंटी टैंक एक मिसाइल का एक्सपेरिमेंट किया है जो सफल रहा है, जो कौन सी मिसाइल का फोर्थ जनरेशन का लेटेस्ट वर्जन है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हेलीक्राफ्ट से प्रक्षेपित नाग मिसाइल का फोर्थ जनरेशन का लेटेस्ट वर्जन है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, नीति आयोग ने किसके सहयोग से फ्रंटियर टेक्नोलॉजी क्लाउड इनोवेशन सेंटर सीआईसी की स्थापना की है। तो याद रखना है, सीआईसी है क्लाउड इनोवेशन सेंटर की स्थापना की घोषणा की है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमेजन वेब सर्विस। अमेजन वेब सर्विस की स्थापना की क्या की है, घोषणा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सिक्स, भारत का पहला, इंडिया का फर्स्ट बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास कहां किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आसाम। आसाम के अंदर भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का क्या किया गया, इनोवेशन किया गया, शिलान्यास किया गया है। असम की बात करें तो असम की आपको कैपिटल भी पता होनी चाहिए, पता होगी भी, असम की राजधानी है दिसपुर। असम की कैपिटल है दिसपुर। वर्तमान में अगर बात करें असम के जो सीएम है वो है जगदीश मुखी, सॉरी सर्वानंद सोनवाल। असम के जो सीएम है वो है सर्वानंद सोनवाल, और असम के गवर्नर हैं जगदीश मुखी हैं। इसी के साथ आपको ध्यान रखना है, भारत के अंदर बात करें तो भारत में हम कहते हैं कि भारत में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी है, सभी को पता है ये, ध्यान रखना है। भारत में 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं, सही है बिल्कुल एकदम। तो 36 तो हुए टोटल स्टेट और केंद्र शासित प्रदेश, लेकिन हाई कोर्ट कितनी है, 25 है। हमारे भारत देश में टोटल कितनी हाई कोर्ट है, तो वो है 25 है। तो ऐसा कैसे, कोई जरूरी नहीं है कि एक स्टेट की एक ही हाई कोर्ट हो, दो या तीन स्टेट्स की मिलकर एक हाई कोर्ट बन जाती है। जैसे हमारा राइट आंसर है इसका असम, हम असम की बात करें तो असम की हाई कोर्ट, पहली चीज तो आपको याद रखनी है कहां पर है, गुवाहाटी में है। असम की हाई कोर्ट कहां पर है, गुवाहाटी हाई कोर्ट में है।
यहां पर असम के मुकदमे तो दर्ज होते ही होते हैं। इसी के साथ आपको यह भी ध्यान रखना है, यहां पर असम, अरुणाचल प्रदेश मिजोरम और नागालैंड, और क्या आता है मेरे प्यारे बच्चों, नागालैंड। तो इन चारों स्टेट्स की एक ही हाई कोर्ट है। जैसे आप सभी को पता होगा पंजाब और हरियाणा की एक ही हाई कोर्ट है, चंडीगढ़ हाई कोर्ट, है ना, दो स्टेट्स हैं लेकिन हाई कोर्ट एक ही है। उसी प्रकार से इन चारों स्टेट्स की एक ही हाई कोर्ट है, असम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और नागालैंड, इन चारों राज्यों की एक ही हाई कोर्ट है। कहां पर है? गुवाहाटी हाई कोर्ट है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है साथियों। तो बहु मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का शिलान्यास कहां किया गया है? असम के अंदर किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, वियतनाम से भारत निम्नलिखित में से किस वस्तु का आयात करता है, कौन सी वस्तु करता है, खरीदता है, इंपोर्ट करता है, कौन सी वस्तु खरीदता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कंप्यूटर तकनीक टेक्नोलॉजीज खरीदता है, नेचुरल रबड़ जो होता है, रेजर होता है, प्राकृतिक रबड़ वो लेता है, रसायन, ये सारी चीजें वियतनाम से भारत क्या करता है, आयात करता है। आयात का मतलब होता है खरीदता है, इंपोर्ट होता है खरीदना और एक्सपोर्ट होता है बेचना, ठीक है। राइट आंसर है उपरोक्त सभी चीजें खरीदता है। वियतनाम की कैपिटल की बात करें तो वियतनाम की राजधानी है हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, प्रकाशित एक पत्र ग्रामीण भारत में पौष्टिक आहार की सामर्थ्य किसके द्वारा लिखा गया है? यह कोई पत्र है, इसका टाइटल है ग्रामीण भारत में रूरल एरिया के अंदर पौष्टिक आहार की सामर्थ्य, ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कल्याणी रघुनाथन के द्वारा लिखा गया है। रिपीट करता हूं, ग्रामीण भारत में पौष्टिक आहार की सामर्थ्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो कल्याणी रघुनाथन के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कौन सा देश अक्टूबर के अंत तक अपने COVID-19 वैक्सीन उम्मीदवार प्री लाइफ का मानव प्रशिक्षण शुरू करेगा? आप सभी देख रहे हो इस समय पूरा विश्व कोरोना महामारी से जूझ रहा है और हर देश वैक्सीन बनाने में लगे हुए हैं कि हम इस कोरोना महामारी से इलाज पा सके, इससे बचा जा सके। तो वैक्सीन बनाने के बाद उसका क्या किया जाता है, मानव पर प्रशिक्षण किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है कि उस पर उस वैक्सीन का असर हो रहा है या नहीं हो रहा है, या क्या इफेक्ट पड़ता है, या उसको कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हो गया उस चीज का। तो अक्टूबर के अंत तक अपने COVID-19 वैक्सीन ब्रीलाइफ नाम है उस कोरोना वैक्सीन का, ब्रीलाइफ का मानव प्रशिक्षण शुरू करेंगे। कोई जानवरों पर कर रहा है, कोई राष्ट्रपति खुद आगे आए कि मैं खुद इसके लिए आगे आकर एक्सपेरिमेंट करूंगा, ठीक है, हर कोई आगे आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इजराइल। इजराइल के अंदर क्या कहा है कि उनकी जो वैक्सीन है उसका नाम क्या है, ब्रीलाइफ का मानव प्रशिक्षण शुरू करेगा अक्टूबर के अंत तक। इसराइल की कैपिटल क्या है, यरूशलम। इसराइल की राजधानी क्या है साथियों, यरूशलम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, अरुणाचल प्रदेश में नया ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहां विकसित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, होलोगी हवाई अड्डा। तो नया ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा कहां डेवलप किया गया है, होलोगी हवाई अड्डा में, एयरपोर्ट में डेवलप किया गया है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है ईटानगर, ये आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, जस्टिस दो शॉट पर्स ए लाइफ फॉर वर्क फाइटिंग फॉर ए मोर परफेक्ट यूनियन, इस पुस्तक किस व्यक्ति से संबंधित है? जस्टिस दो शॉट पर्स ए लाइफ फॉर वर्क फाइटिंग फॉर ए मोर परफेक्ट यूनियन, पुस्तक किस व्यक्ति से, पुस्तक जो बुक लिखी गई है वो किस पर्टिकुलर पर्सन से रिलेटेड है, रिलेट करती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूथ बडर गिंसबर्ग। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, रूथ बडन गिंसबर्ग। क्वेश्चन नंबर 12, कौन सा राज्य पहला राज्य है जिसने मास्क की कीमतों पर सीमा लगाई है? होता है क्या है, कई बार हमारे भारत देश के अंदर किसी चीज की डिमांड बढ़ने लग जाए तो उसकी हम करने क्या करने लग जाते, ब्लैक मनी करने लग जाते हैं, उसे ज्यादा दामों में बेचना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऐसा ही आप देख रहे हो कि कोरोना महामारी के कारण जब शुरुआत की गई थी मार्च अप्रैल के अंदर कोरोना की, उस समय मास्क और सैनिटाइजर आपने देखा होगा बहुत बेसिक नीड हो गई थी।
लोग उसका नाजायज फायदा उठाने लग गए, ब्लैक मनी के ब्लैकिंग में उसे बेचने लग गए कि ये सैनिटाइजर की बोतल है जो 200 ml की, 100 ml की, 500 तक चार्ज करने लगे। एक मास्क की जो हमारी नेसेसरी चीज बन चुकी थी उसका चार्ज 50 rupees 100 rupees तक करने लगे थे। तो इस चीज से बचने के लिए सरकार ने प्रयास किया कि हम टू लेयर मास्क की कीमत कितनी डिसाइड कर दी थी सरकार ने, 8 rupees डिसाइड की थी टू लेयर मास्क की कीमत, और थ्री लेयर मास्क की कीमत कितनी कर दी थी 16 rupees। क्लियर साथियों? उसी प्रकार से सैनिटाइजर की कीमत भी डिसाइड कर दी थी, लेकिन वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने किया था पूरे देश के लिए, मार्च की बात थी ये तो। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे लॉकडाउन खुलने लगा, अनलॉकिंग होने लगी, तो कुछ केस के अंदर जहां पर जिस कंट्रीज के अंदर, जिन स्टेट्स के अंदर केस बढ़ने लगे, वहां पर उन्होंने क्या कर दिया, अपने मास्क के रेट बढ़ाने स्टार्ट कर। तो कौन सा पहला राज्य है जिसने मास्क की कीमतों पर सीमा लगाई है कि ये इससे ज्यादा नहीं बेच सकते? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने शतरंज की 2020 जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप जीती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निहाल सरीन ने जीती है। कौन सी? 2020 की जूनियर स्पीड ऑनलाइन चैंपियनशिप। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, निहार सरीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14, बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों द्वारा अधिकतम खर्च की नई सीमा क्या कर दी गई है? आपको पता होगा इलेक्शंस होते हैं, उसमें बहुत सा पैसा लगाया जाता है। इलेक्शंस के अंदर पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है, एमएलए या एमपी, वो पैसा लगाते हैं, रैलियां करते हैं, ठीक है, लोगों को अपनी तरफ वोट करने के लिए नए नए लुभावने वादे करते हैं या पोस्टर्स वगैरह बनवाकर उनका मनोबल लेते हैं, ठीक है। तो इसमें बड़े राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव लड़ रहे जो कैंडिडेट है उनके द्वारा मैक्सिमम खर्च की जो एक्सपेंडिचर की जो सीमा थी वो कितनी कर दी है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 30,80,000 rupees इसकी अधिकतम खर्च की सीमा फिक्स कर दी है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रवर रूलर एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर किसके सम्मान में किया गया है? प्रवर रूलर एजुकेशन सोसाइटी का नाम बदलकर किसके नाम पर किया गया है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बाला साहेब विखे पाटिल के नाम पर रख दिया गया है। किसका नाम? प्रबर रूलर एजुकेशन सोसाइटी का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 किसने जीता है? अगेन रिपीट करता हूं क्वेश्चन कि सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हरीश कोटेचा ने जीता है सैंड्रा नीस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हरीश कोटेचा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस FATF शैली के क्षेत्रीय निकायों ने पाकिस्तान को बढ़ी हुई अनवर्ती सूची में रखा है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप। क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग पर एशिया पैसिफिक ग्रुप। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ADB ने किस राज्य के 14 माध्यमिक शहरों को विकसित करने के लिए $300 million के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, राजस्थान। राजस्थान ने करा है, भारत सरकार और एशियाई ADB ने राजस्थान राज्य के 14 माध्यमिक शहरों को विकसित करने के लिए $300 million के लोन की क्या की है, हस्ताक्षर किए हैं। राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान की बात करें, राजस्थान की राजधानी है जयपुर, जयपुर को पिंक सिटी कहा जाता है, और राजस्थान की CM है अशोक गहलोत, और वहां के जो गवर्नर है वो है कलराज मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, अर्थशास्त्र नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको मैं नोबेल प्राइज करवाता जा रहा हूं। नोबेल पुरस्कार जो है हर साल दिए जाते हैं, और विश्व के सबसे बड़े पुरस्कारों में जाने जाते हैं, नोबेल पुरस्कार जाने जाते हैं। नोबेल पुरस्कार जो है ये नोबेल फाउंडेशन के द्वारा दिए जाते हैं। इनके अंदर नामों की जो घोषणा की जाती है वो अक्टूबर नवंबर में कर दी जाती है, और ये प्राइज दिए जाते हैं हर साल 10 दिसंबर को
डॉक्टर अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर, इस दिन 10 दिसंबर को अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है, उस दिन इन पुरस्कारों को क्या कहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो क्वेश्चन आता है कि इस बार अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन, इन दोनों को क्या किया गया है 2020 के इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया है। तो 2019 का आपको याद होना चाहिए। 2019 का इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि 2019 में किसी भारतीय को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2019 में मिला था इंडियन एक अभिजीत बैनर्जी को इकोनॉमिक्स के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और बात करें इस साल इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज किसे दिया गया है, पॉल और मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। आपका आज का मैं क्वेश्चन देता हूं, क्वेश्चन ऑफ द डे है। आप सभी ने मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इकोनॉमिक्स में सबसे पहला नोबेल पाने वाले इंडियन कौन थे। इकोनॉमिक्स के अंदर नोबेल पाने वाले इंडिया फर्स्ट इंडियन कौन थे, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था इकोनॉमिक्स के फील्ड के लिए, और फर्स्ट इंडियन कौन थे, ये आपको मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। और अगर आप डिटेल से बताते हो तो बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20, आदिवासियों के लिए तकनीकी किसके द्वारा शुरू की गई थी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आदिवासी सहकारी विपणन विकास विभाग लिमिटेड के द्वारा क्या की गई थी, आदिवासियों के लिए जो ट्रबल अफेयर्स होते हैं उनके लिए तकनीक को शुरू की गई थी, नई टेक्नोलॉजी शुरू की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 21, कार्लटन चैपमैन का निधन हो गया है, वह किस स्पोर्ट्स से संबंधित थे। पहली चीज तो ये पता लगी कि कार्लटन चैपमैन एक स्पोर्ट्समैन थे, अब वो कौन सी स्पोर्ट्स से फील्ड रखते थे उनका लिंक था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल से संबंधित थे वो। फुटबॉल की बात आई है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, तो फुटबॉल में सबसे बड़ा जो कॉम्पिटिशन होता है वो होता है फीफा वर्ल्ड कप, ध्यान रखना है। फुटबॉल का सबसे बड़ा कॉम्पिटिशन होता है फीफा। तो इसमें आपको ये एक चीज ध्यान रखनी है, फीफा की बात करें तो फीफा का हेड ऑफिस है ज्यूरिख में। फीफा का हेड ऑफिस कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, फीफा। फुटबॉल में सबसे बड़ा जो कंपटीशन होता है वो होता है फीफा वर्ल्ड कप। फीफा का हेड ऑफिस कहां पर है, ज्यूरिख में है। और ज्यूरिख कहां पर है मेरे प्यारे बच्चों, स्विट्जरलैंड में है। ज्यूरिख कहां पर है, स्विट्जरलैंड के अंदर है, याद हो जाएगा ये। फीफा की बात करें तो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत कब की गई थी, तो फीफा वर्ल्ड कप की शुरुआत की गई थी 1930 में, पहली बार खेले गए थे ये अरुग्वे के अंदर, पहली बार ये अरुग्वे के अंदर खेले गए थे 1930 में। बात करें रिसेंटली 2018 के अंदर हुए थे ये, रूस के अंदर खेले गए थे। और बात आती है कि हर चार साल के बाद खेले जाते हैं जितने भी इंटरनेशनल गेम्स होते हैं, तो 2018 के बाद 2022 के अंदर फिर खेले जाएंगे फीफा वर्ल्ड कप। तो 2022 में उनका आयोजन कौन करवा रहा है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है कतर करवा रहा है। कतर की कैपिटल क्या है, दोहा है। दोहा के अंदर खेले जाएंगे 2022 के फीफा वर्ल्ड कप, ये आपको ध्यान रखना है। तो 2018 के लास्ट हुए थे कहां पर, रूस में खेले गए थे। 2022 के कहां पर होंगे, कतर के अंदर खेले जाएंगे। कतर की राजधानी क्या है मेरे प्यारे बच्चों, वो है दोहा। 2018 की बात करें, इसमें विनर रहा था फ्रांस, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें विनर कौन रहा था, फ्रांस। और फ्रांस के पास अब तक कितने फीफा वर्ल्ड कप हो गए हैं, तो फ्रांस के पास अब तक दो फीफा वर्ल्ड कप हो चुके हैं। क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम कौन सी है, ऐसी कौन सी टीम है जिसने अब तक सबसे ज्यादा बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ब्राजील। ब्राजील के पास सबसे ज्यादा फीफा वर्ल्ड कप है, 5 वर्ल्ड कप है इसके पास, ये 5 बार फीफा वर्ल्ड कप जीत चुका है ब्राजील, ध्यान रखना है। फीफा की फुल फॉर्म याद रखनी है, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। और इसका हेड ऑफिस कहां पर है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। अगले कहां पर होंगे, 2022 के होंगे, कतर में होंगे। और 2018 के कहां पर हुए थे मेरे प्यारे बच्चों, रूस में हुए थे। तो
कार्लटन चैपलिन का जो निधन हो गया है वह स्पोर्ट्स से संबंधित और फुटबॉल के क्या थे वो लिंक रखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 22, बलात्कार के लिए मृत्यु दंड को सबसे बड़ी सजा बनाने के लिए कानून के मसौदे को भारत के किस पड़ोसी देश की कैबिनेट द्वारा अनुमति दे दी गई है। ये काफी बड़ा क्वेश्चन है, हमारे नेबर कंट्री से अगर उठकर क्वेश्चन बनता है कि भारत का ऐसा कौन सा पड़ोसी देश है, पड़ोसी देश हमारा पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, हमारा भूटान है, हमारा चीन है, म्यांमार है, बांग्लादेश है, श्रीलंका है, ये हमारे क्या है नेबर कंट्रीज हैं। तो कौन सी ऐसी नेबर कंट्री है, नेपाल हमारी नेबर कंट्री, कौन सी नेबर कंट्री ने बलात्कार के लिए मृत्यु दंड की घोषणा कर दी है कि अगर कोई बलात्कार करता है किसी का, सेक्सुअल हरेसमेंट करता है किसी के साथ, तो उसके लिए उसको मृत्यु दंड की सजा मिलेगी। ऐसा करने वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है, वो है बांग्लादेश। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बांग्लादेश है जिसने कहा है कि मृत्यु दंड की सजा होगी। बांग्लादेश की कैपिटल की बात करें तो कैपिटल है इसकी ढाका, बांग्लादेशी करेंसी है टका, बांग्लादेश की करंट टाइम पे महिला प्रधानमंत्री है, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन है, शेख हसीना है, और वर्तमान में प्रधानमंत्री है यहाँ की शेख हसीना ही है, याद हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 23, भारत और नॉर्वे संयुक्त आयोग के छठे सत्र के दौरान भारत के विदेश मंत्री और नॉर्वे ने कोवैक्स की स्थापना की प्रशंसा की, कोवैक्स की एक पहल है, ये किसके लिए पहल शुरू की गई है। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर है इन सभी के लिए, ऊपर के सभी, जो कोवैक्स जो पहल शुरू की है इसका मोटिव क्या होगा कि ग्लोबल वैक्सीन अलायंस का करना, GAVI, इसके अलावा महामारी की तैयारी, नवाचारों के लिए गठबंधन बनाना, विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए काम करना। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 24, ह्यूमन कॉस्ट ऑफ डिजास्टर्स इन ओवरव्यू ऑफ द लास्ट 20 ईयर्स, 2000 से लेकर 2019 रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक वर्षा आधारित कृषि का कितना प्रतिशत आपदा जोखिम का सामना कर रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 25, अंतरराष्ट्रीय ई कचरा दिवस 2020 के समारोह में किस ओर विशेष ध्यान दिया गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिक्षा। पहली चीज तो देखते हैं ई कचरा कौन सा होता है, इलेक्ट्रॉनिक कचरा हो कौन सा होता है, जैसे हमारे गैजेट्स हो गए, हमारे चार्जर्स हो गए, ईयरफोन हो गया, जो ठीक है, जो पिन वगैरह हो गई, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक स्क्रैप है। 2020 के समारोह के किस और विशेष ध्यान दें, शिक्षा पर ध्यान देने की क्या की गई है, इस पर जरूरत ध्यान देने की जरूरत की गई है। नेक्स्ट बात करें कि भारतीय जूडो टीम के 5 खिलाड़ी किस ग्रैंड स्लैम 2020 की प्रतियोगिता में भाग लेंगे। तो ग्रैंड स्लैम आप सभी को पता है, तो भारतीय जूडो टीम के 5 खिलाड़ी हैं वो कौन सी ग्रैंड स्लैम के अंदर, बुडापेस्ट, हंगरी की कैपिटल है बुडापेस्ट, फ्रांस की कैपिटल है पेरिस, यूक्रेन की कैपिटल है कीव और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। तो इसमें से कौन से ग्रैंड स्लैम के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बुडापेस्ट, हंगरी। हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट, बुडापेस्ट ग्रैंड स्लैम 2020 की प्रतियोगिता के अंदर 5 खिलाड़ी क्या लेंगे, भारत की ओर से जूडो के अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। जूडो की बात आई है तो एक चीज ध्यान रखना है, जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, जापान एक कंट्री है उसका राष्ट्रीय खेल है जूडो, जैसे भारत का है हॉकी, पाकिस्तान का है हॉकी, उसी प्रकार से जापान का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, तो वो है जूडो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, रक्षा मंत्री ने किस राज्य में चेनूपू सुरंग की आधारशिला रखी है, चेनूपी सुरंग की क्या रखी है, टनल की आधारशिला रखी है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अरुणाचल प्रदेश। तो रक्षा मंत्री कौन है, हमारे राजनाथ सिंह हैं, जो लखनऊ से चुनाव सभा क्षेत्र लड़कर आए हैं, जीत कर आए हैं। रक्षा मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश राज्य में नचूपू सुरंग की क्या रखी है, आधारशिला रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 28, कि नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस कंपनी के साथ मिलकर स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा दिया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, CGI इंडिया। तो नीति आयोग के ने अटल इनोवेशन मिशन के साथ मिलकर CGI कंपनी के साथ मिलकर स्कूलों में नवाचार को बढ़ावा दिया है, नई नई टेक्नोलॉजी को इंप्रूवमेंट करने का क्या किया है, प्रयास किया है।
नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति की बात करें, हेड ऑफिस है इसका न्यू दिल्ली के अंदर। इसकी स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। इसके वर्तमान में चेयरमैन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार, और सीईओ हैं अमिताभ कांत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 29, सरकार ने किस वर्ष में राष्ट्रीय कामधेनु योग RKA की स्थापना की थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 2019 के अंदर राष्ट्रीय कामधेनु योग की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारत माला परियोजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2015 के अंदर भारत माला परियोजना शुरू की गई थी। नेक्स्ट आता है, राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लागू करने के लिए कौन सा विभाग जिम्मेदार है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों ही काम करेंगे राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लागू करने के लिए। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट, ये दोनों ही क्या है इसके लिए जिम्मेदार हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। सुरक्षा कवच संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास किस किस के बीच होगा? तो सुरक्षा कवच एक संयुक्त आतंकवाद को खत्म करने के लिए एक अभ्यास है, जो किस किस के बीच में होगा? सेना और पुलिस के बीच में होगा, आर्मी और पुलिस के बीच में होगा। कौन सा? सुरक्षा कवच। और इनका मोटिव रहेगा कि आतंकवाद को खत्म करना, ठीक है, टेररिज्म को क्या करना, खत्म करना, उसके विरोध के लिए आर्मी और पुलिस के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि भारत जो है INS सिंधु वीर किस देश की नौसेना को वितरित करेगा? ऐसा नहीं है कि भारत जो रक्षा के उपकरण होते हैं, ठीक है, जो भी रक्षा के जैसे हमारे पास जो एयर क्राफ्ट वगैरह हैं या राफेल है, या हम किसी से खरीदते हैं, भारत चीजें बेचता भी है, तो भारत INS सिंधु वीर जो है वो किस देश को नौसेना को वितरित करेगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, श्रीलंका को क्या करेगा, वो डिस्ट्रीब्यूट करेगा। नाम याद रखना है, क्या देगा? INS सिंधु वीर, और ये श्रीलंका की नेवी को देगा। ध्यान रखना है, श्रीलंका हमारा पड़ोसी देश है, या की राजधानी है कोलंबो एंड जयवर्धनपुरम कोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने हैं सदर जापरोव बने हैं। किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री हैं सदर जापरोव है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थैलेसीमिया बाल सेवा योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? थैलेसीमिया जो है वो बाल सेवा ये एक स्कीम है, ये कौन से वर्ष शुरू की गई थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2017 के अंदर क्या की गई थी, ये स्कीम शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 36, केंद्रीय भूजल बोर्ड किस मंत्रालय के तहत एक बहु अनुशासनात्मक वैज्ञानिक संगठन है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जल शक्ति मंत्रालय का क्या है एक ये संगठन है। हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भानु अथैया का निधन हो गया है, वो कौन सी फील्ड से बिलोंग करते थे? वो कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे, आर्किटेक्ट थे, ऑथर थे, या डायरेक्टर थे? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कॉस्ट्यूम डिजाइनर थे भानु अथैया का, जिनका क्या हो गया है, निधन हो गया है। भारत में महिला किसान दिवस का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? भारत के अंदर महिला किसान दिवस का आयोजन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉरपोरेटिव एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा क्या किया गया था, आयोजन किया गया था महिला किसान दिवस का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, अक्टूबर 2020 में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किन देशों को चुना गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भारत और फ्रांस। ये आप सभी को पता होगा, इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो था, इसके लिए मोदी जी ने बहुत बड़ा प्रयास किया था, और इसके लिए गठबंधन के लिए इसमें अध्यक्ष और सह अध्यक्ष, प्रेसिडेंट एंड को चेयरमैन के लिए भारत और फ्रांस को क्या किया गया, चुना गया है। याद रखना है, भारत के प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी हैं, और भारत के राष्ट्रपति हैं रामनाथ कोविंद, और फ्रांस की बात करें तो वहां के प्रेसिडेंट, याद रखना है, इमैनुअल मैक्रोन है,
फ्रांस की कैपिटल है पेरिस और करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, गोवटेकथॉन 2020 का आयोजन किसके सहयोग से किया जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा गोवटेकथॉन 2020 का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 41 कि आपदा जोखिम न्यूक्लियर न्यूनीकरण डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, आपदा जोखिम न्यूनीकरण का मतलब है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 13 अक्टूबर को मनाया जाता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 42 कि व्यवसाय श्रेणी में गोल्डन स्टेवी लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सीमा गुप्ता को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 में कैपिटल शिप्स श्रेणी में श्रेष्ठ जहाज पुरस्कार किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सह्याद्री। सह्याद्री जो है वो कैपिटल शिप्स एक श्रेणी का जहाज है, ये इसने ये फ्लीट अवार्ड फंक्शन 2020 का अवार्ड जीता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सह्याद्री। नेक्स्ट आता है, भारत के किस समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाणन मिला हुआ है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट मिला हुआ है भारत के किस समुद्र तट को, कौन से कोस्टल एरिया को, बीच को मिला हुआ है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गोल्डन समुद्र तट को मिला हुआ है, गोगला समुद्र तट को मिला हुआ है, राधानगर समुद्र तट को मिला हुआ है। उपरोक्त सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इग्वा स्टीवेक ने किसको हराकर, इग्वा स्टीवेक ने किसको हराकर 2020 में फ्रेंच ओपन महिला का एकल खिताब जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोफिया केनिन को। तो इगा स्टीवेक ने सोफिया केनिन को हराकर फ्रेंच ओपन के अंदर सिंगल फीमेल का खिताब जीता है इगा स्टीवेक ने। किसको हराया है? सोफिया केनिन को। राइट आंसर है इसका हमारे सामने ऑप्शन नंबर बी, सोफिया केनिन को। क्वेश्चन नंबर 46, भारत में वर्तमान ब्रिटिश उच्चायुक्त कौन है? भारत के अंदर वर्तमान ब्रिटिश उच्चायुक्त है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर फिलिप रॉबर्ट बॉटन। सर फिलिप रॉबर्ट बॉटन क्या है? भारत में वर्तमान के अंदर ब्रिटिश उच्चायुक्त हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, स्वामित्व योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पंचायती राज मंत्रालय के द्वारा स्वामित्व योजना शुरू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, प्रधानमंत्री द्वारा किसकी 100वीं जयंती पर 100 रुपए का समन्वय सिक्का जारी किया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विजया राजे सिंधिया। सिंधिया परिवार से, घराने से बिलोंग करती है विजया राजे सिंधिया। इनकी 100वीं जयंती पर 100 रुपए का सिक्का क्या किया है? जारी किया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। फ्रेंच ओपन 2020 के पुरुषों में एकल खिताब किसने जीता है? फ्रेंच ओपन 2020 मेल सिंगल का जो खिताब है वो किसने जीता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है राफेल नडार ने जीता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, लोकनायक के रूप में किसे जाना जाता है? लोकनायक सभी को पता है, जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है लोकनायक के रूप में। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिए, सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस आपके लिए लाए जा रहे हैं, पूरे एक साल को कवर किया जाएगा, बस आपने इनको पढ़ते रहना है, रिवीजन करते रहना है, आपको ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलते रहेंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, धन्यवाद।